हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल A to Z मेडिकल गुरुजी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं 14 जून। 14 जून है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। तो इस डे पे हम बात करते हैं कि सभी को खून डोनेट करना चाहिए। क्या होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन की ज़्यादा होता है तो उसको ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी होता है करना। लोग गोलियां खा के खून को पतला करते हैं, इसका हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम ब्लड को डोनेट कर देते हैं तो अच्छी बात है कि ब्लड को डोनेट कर दें, तो उससे दो फायदे हो गए। हमारा ट्रीटमेंट भी हो जाएगा बिना कोई ट्रीटमेंट लिए, और दूसरा क्या होगा कि दूसरे किसी बंदे को जिसको ब्लड की ज़रूरत है उसको भी फायदा होगा। तो बहुत सारे लोगों में एक डर भी होता है इसके बारे में कि डोनेट करने से, खून डोनेट करने से हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ता हो ये, बल्कि हमारी बॉडी के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज या मतलब एक प्रक्रिया मान सकते हैं हम, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं, इससे फायदा ही होता है। तो और हमें भी फायदा होता है और दूसरे लोगों को भी फायदा होता है, क्योंकि जिसको ब्लड की ज़रूरत है तो उनको आसानी से ब्लड मिल जाता है। तो किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, एक तो जिसकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है उनको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिसको कोई ऐसी डिजीज या बीमारी है जिसको हम ब्लड नहीं दे सकते, जैसे HIV ऐसी कोई बीमारी है तो हम उसमें ब्लड नहीं दे सकते, तो ऐसे बंदों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बंदों को अवॉइड करना चाहिए ब्लड डोनेट करने से। और इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं होती, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती जिससे हमारे शरीर पे कोई इफेक्ट पड़े। तो ब्लड डोनेट जरूर करें ताकि किसी और भाई की भी जान बच जाए और किसी की हमें भी फायदा हो जाए और दूसरे को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।